स्वागत है आप सभी अंगनवाड़ी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो सभी सेविका बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग बता दें आप लोगों को पिछले ही भी आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है सभी को एक समान आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड करने के लिए उन्होंने जारी कर दिया है आदेश। लेकिन यहाँ पर देखिए अब सेविकाओं की ठगी किया जा रहा है। यहाँ पर एक जो सूचना है आप सभी को बताना चाहें, ठगी लिया गया और साथ ही उनके साथ दुष्व्यवहार भी किया गया है। दुष्व्यवहार यानी कि उनके इज्जत के साथ उनके खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने सेविकाओं ने आरोप लगाया है, उच्च अधिकारी है जो कि सेविकाओं के साथ एक बहुत ही घृणा अपराध किया है। हम लोग चाहेंगे आप लोग इस वीडियो को सभी बहनों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के साथ ये नहीं हो पाता है, यदि आप लोग शेयर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि YouTube खुद इस वीडियो को शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, सूचना को, बहुत ही जरूरी ये जानकारी है आप सभी के लिए। देखिए बताया जा रहा है कि ICDS के अनुसेवक ने सेविका से ठके हैं 70,000 रुपया। देखिए सेविका से ठक लिए तो ये तो ठका ही जा रहा है। आप लोग के द्वारा भी कहीं कहीं बताया गया है कि जहाँ पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है अब उनको समान आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड करने के लिए जो कि वहाँ के CDPO या वहाँ के DPO जो हैं वो सेविकाओं से कुछ चार्ज डिमांड कर रहे हैं कि आप इतना दीजिएगा तो आप लोगों को हम अपग्रेड कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब सरकार का आदेश है कि सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को एक समान में बदलना है तो सभी को बदलना चाहिए। ये यहाँ तक कि जितना भी संघ है इस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए क्यों इस प्रकार से अवैध वसूली किया जा रहा है। संघ के द्वारा भी उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी देखिए आप लोग इसमें देखिए बताया जा रहा है कि बहरा 2 ICDS कार्यालय में कार्यरत अनुसेवक ने एक आंगनबाड़ी सेविका से 70,000 रुपया ठग लिया है। यानी कि ठग लेने का मतलब है कि उनको समान में बदलने के लिए उनसे ले लिया गया है। अब देखिए जो पीड़ित सेविका है उन्होंने बताया है कि वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर यह शिकायत की है कि आरोप की है कि अनुसेवक ने यह ठगी आंगनबाड़ी केंद्र को प्रोन्नत यानी कराने के लिए नाम पर की है, यानी कि उनको समान आंगनबाड़ी केंद्र में बदलने के लिए किया गया है। इस मामले में बगीचा टोला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 339 की सेविका ने CDPO हुए SP वगैरह वे महिला थाना समेत वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया है और आवेदन में सेविका का कहना है कि वह नवचनित आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका के रूप में कार्यरत है। जनवरी महीने में ICDS बहरा 2 में कार्यरत अनुसेवक ने उनके केंद्र मिनी आंगनबाड़ी से समान आंगनबाड़ी केंद्र में प्रोन्नत कराने के नाम पर यह ठगी की है। इतना ही नहीं, अनुसेवक ने पंजी पर हस्ताक्षर कराने के नाम पर उसे ऑफिस में बुलाया तथा उसके साथ दुष्व्यवहार भी किया, जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। इस संबंध में उसने यह घटना की जानकारी अपने पति को दी है। पति द्वारा बताया जा रहा है कि पति के घर आने पर इस मामले में CDPO समेत महिला थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। CDPO सावित्री दास ने बताया कि सेविका की आरोपों की जांच के लिए टीम गठित किया गया है। जांच के निष्कर्षों के आलोक में उचित कार्रवाई के लिए जाएगा उचित कार्रवाई किया जाएगा। SDPO कुमार देवेंद्र ने बताया कि इस मामले में महिला थानाध्यक्ष के जाँच का निर्देश दिया गया है, यानी कि इसकी जाँच की जा रही है। लेकिन ये मुद्दा है सेविकाओं की सुरक्षा का, जब सेविकाओं की सुरक्षा एक कार्यालय ऑफिस में नहीं हो जा रही है तो बताइए किस प्रकार से उनको नाम के बराबर दिया जाता है, उनके काम के बराबर तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी सेविका बेचारी इतना कार्य करने के बावजूद भी उनसे जो कि सरकार का आदेश है सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को एक समान आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड किया जाए फिर भी यहाँ पर ठगी किया जा रहा है। ठगी के साथ साथ सेविकाओं के साथ दुष्व्यवहार किया जा रहा है। उनको यहाँ पर सम्मान के देना चाहिए जो सेविकाओं को, उनको यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दुष्व्यवहार किया जा रहा है। तो सभी सेविका बहनें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो एक सेविका की आवाज़ है वो सभी तक पहुँचे ताकि उनको सही न्याय मिल सके। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।